अंदरूनी अमले की मिली भगत से गैर मुतालिका एजेंट सरगरम फी टोकन 300 रुपए में देने का इंकशाफ। कई दिनों तक मुसलसल चक्कर लगाने के बावजूद टोकन हासिल ना कर सके हैं। जिले में और भी मराकज कायम करके आवाम को रिलीफ दिया जाए। शहरियों की गुफ्तगू दीवान न्यूज़ की टीम के साथ। हम इस वक्त मौजूद हैं मलीर के इलाके गुलशन अदीद में, जहां पर एहसास कफालत प्रोग्राम सेंटर मुनक्किद किया हुआ है। यहां पर लोगों को एहसास कफालत प्रोग्राम के टोकन की बजाय तस्लील, लाठियाँ, डंडे और बहुत कुछ मिल रहा है सिर्फ टोकन के अलावा। आइए नाज़रीन, हम यहाँ के जो लाइन में लगे हुए लोग हैं उनसे मालूम करते हैं कि उनके क्या तासरात हैं, उनके साथ क्या मसाइल पेश आ रहे हैं। 100 रुपया लेके गांव से जो ना काम लेके आते हैं, नाले भर के उनका काम चलाते हैं, इधर वाले ऐसे ही दर बदर होते हैं। कौन ले रहे हैं? इधर तो इनका बंदा है, उधर से लेके आते हैं गोट से, 300 रुपया लेते हैं, आधा इनको देते हैं आधा उसको देते हैं। कोई पैसे लेके उनका ही कांड बनाते हैं, तो ऐसे ही दर बदर है। कार्ड थे एहसास प्रोग्राम में जमा कराए, टोकन चलाए, उनके जी चार डे थी गया। अच्छा तो चवन था कार्ड तो हमारा पता नहीं किधर गया, ये हुआ फलाना हुआ, ये मैं ऐसे जो हाँ रुला पियो हरो 100 रुपया भाड़ो करे गरीब माड़ो अच्छा तो कम कर का खोटी ये नजादी हले पी थे भी कुछ को ना सरासर बदमाशी दहशत गर्दी ऐप कौम परस्ती हले पी। कहाँ आया, कितना आयो? सर मैं आयो यार रथा का बाद जो करनी दालशेरा गोठा का। सही पो ता कार्डी मालूमात कई है? कार्ड मालूमात अंदर भी हो, मैडम सा मिले, मैडम जो जाओ बाहर, कार्ड नहीं है इधर, कार्ड होगा तो तुझे मिल जाएगा, कोई सुनता ही नहीं है। 10-10 कार्ड एक एक बंदे को दे रहे हैं, उनके अपने बंदे जो है वो लेके जा रहे हैं, उनको 10-10 कार्ड इधर आके टोकन के साथ बढ़ा के दे रहे हैं, हम लोगों की बात ही नहीं सुन रहे। अब क्या करे, कहाँ जाए, ये कोई प्रोग्राम थोड़ी है, जलालत है, ये हम लोगों को जलील बना दिया इन लोगों ने। अच्छा ताज नालो चाहे कुमार संजरानी चाहे कितना का आया होता? असा आयो असल कुवर जमाली जा हियर बैठा हूं आवास टाउन में, इते 3 साल क्या ने ते जाए वठी बेटा मन जो का ना केडी मल का आया होते बाबा इते मुके तो पर पूर मान ना जा लाइन दो मगे 5 कला काम किया ता अन्या ताणी को आसरो को कहे के कार्ड में बाजार को ना इते पाजा बैठा तो सु 5 कला कन का इते ही बैठा हो जी। नाज़रीन, आपने देखा, आपने लोगों की बातें सुनी कि वो लोग 5-5 घंटे 6-6 घंटे यहाँ पे इंतज़ार में खड़े हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं, भूख प्यास बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन उनको टोकन नहीं मिला है। उनका कहना है कि टोकन सिर्फ मनपसंद बंदों को मिल रहा है, एक बंदा है ये नहीं मालूम कि वो कौन सा बंदा है, लेकिन वो अपने मनपसंद कार्ड लेके आ रहा है और फी बंदा वो 300 रुपये ले रहा है और उनको बगैर नंबर के और बिना किसी मुश्किलात के उनको टोकन लेके दे रहा है। यहाँ पे जो इतने लोग खड़े हुए हैं, जो इतनी लाइन लगी हुई है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, वो लोग परेशान, तस्लील, औरतों पे लाठी चार्ज, लोगों पे लाठी चार्ज हो रहा है, लेकिन उनको टोकन नहीं मिल रहा है। कैमरा टीम के साथ मैं हूँ फेरोज़, दीवान न्यूज़ HD मलीर कराची। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट के लिए यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पे लाइक और ट्विटर पे फॉलो करें। दीवान न्यूज़ HD, हर खबर सच पे मबनी।